अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, प्रोसेस कॉस्टिंग बस ख़त्म और होमवर्क चलेंगे इसके। अभी एक ऑटम 17 का क्वेश्चन बन दिया था मैंने, और चूंकि ये फिज़िकल वाले सामने होंगे तो ही डिस्कस होगा, तो सवालों का पता चलेगा, क्योंकि जो यहाँ आवाम के नुमाइंदे बैठे हैं उनको तो कोई मसला नहीं है, तो इसलिए कल डिस्कस करूँगा ये ऑटम 17। ये लेक्चर 48 में डिस्कस करूंगा, और एक और होमवर्क है जो वेडनेसडे यानी लेक्चर 49 में, एक होमवर्क मैंने पिछली क्लास में दिया था, वो आपने उम्मीद है कर लिया होगा। डिस्कस मैं इसको 48 में करूंगा, ताकि सामने आवाम हो ना तो अच्छा पता चलता है क्या डिस्कशन है। फिर एक और होमवर्क दे रहा हूँ जो आज के लिए नहीं, यानी जो लोग फिजिकल पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये आज का नहीं है, अभी शाम में तो लेक्चर सुनेंगे आप लोग, तो फिर आप लोग ये कल कर रहे होंगे, यानी मैं इसको डिस्कस करूंगा लेक्चर 49 में। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो वो तो होमवर्क करना ही है उन्होंने, तो एक होमवर्क है ऑटम 17 क्वेश्चन 1, इसकी डिस्कशन लेक्चर 48 में। ये डिस्कशन करूंगा इसकी लेक्चर 48 में। और एक है क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 20। ये इन दोनों से मुश्किल था, ये मुश्किल सवाल था, यानी मेरे ख्याल में ये जॉइंट प्रोडक्ट का मुश्किल तरीन सवाल है, तो इसलिए इसको देख के मायूस मत होना, कोशिश बेटा पूरी करनी है, जिनसे हो जाएगा जबरदस्त सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। इसमें आया था वैसे मेरा सर्टिफिकेट, इस अटेम्प्ट में सर्टिफिकेट आया था मेरे स्टूडेंट का। ये डिस्कस करूंगा मैं लेक्चर 49 में, ये डिस्कस करूंगा लेक्चर 49 में। और इन दोनों के सोल्यूशन में मुझे आई कैप के सोल्यूशन से वही इख्तलाफ है, वो कि इन्होंने उस नॉर्मल लॉस वाले को कंसिडर नहीं किया, वह होना चाहिए। और ये इतनी लॉजिकल बात है कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं है, यानी ये भी नहीं, मैं जैसे इन्वेंट्री वेरिएशन का एक सवाल था ना जो मैंने बोर्ड पे ऑटम 21 का कराया था, उसमें मैंने कहा था कि आप इसको चाहे वो जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल अगर कभी देखेंगे रिवाइज करते हुए ऑटम 21, मैंने बताया था कि इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो इंतहाई इलॉजिकल होगा अगर हम उस बीटा से थीटा बनने में जो 5% ज़ाया होता है उसको कंसिडर ही ना करें, ये इंतहाई इलॉजिकल होगा, इलॉजिकल होगा। इसलिए इन दोनों के सोल्यूशन अपने दिए हैं मैंने, ये पहले दे दिया था, और जो फिजिकल क्लास के बच्चे हैं ये दोनों उनको कल वाली क्लास में मिल जाएंगे, और जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं ये दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 20 ये 49 में डिस्कस करूंगा। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म। अब ऐसा है कि मैं ना आपको एक सवाल कराने लगा हूं जो है बजटिंग का, बजटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, है वो सवाल बजटिंग का, लेकिन उसमें कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि आप उनको करें, यानी आपको ये मेहनत जो इस सवाल में मेहनत होगी ये अगले चैप्टर्स में डिसीजन मेकिंग में काम आएगी, तो आप इसको सिर्फ वैसे ही सीखने की नीयत से देख लें, यानी अब बजटिंग नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आप वैसे ही देख लें कि इसमें आप जितने भी चीज़ें लर्न कर सकें। आप आइए ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 5 पे, ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 5 फैल्कन प्राइवेट लिमिटेड।
मैं फिर बता रहा हूँ, इस सवाल को देख के टेंशन नहीं लेनी, ये बजटिंग का सवाल है, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इस सवाल को करवा इसलिए रहा हूँ कि कुछ कैलकुलेशंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप समझें। तो बस हमें शुगल मेले के लिए जितना सीख सकें इस सवाल में से वो सीख लें। पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ बोर्ड पे। हाँ मैं बताता हूँ, मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ कि कौन सा वाला।
सही। चलें जी, पहले सवाल को समझ लें। इसमें ना जो वर्ड यूज हुए हैं, बजट, एक्चुअल, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, इनको पहले जरा तसल्ली से क्लियर कर लेते हैं। एक है इसमें करंट ईयर और एक है इसमें नेक्स्ट ईयर। आपको पॉइंट नंबर वन के अंदर किस ईयर का डाटा दिया हुआ? करंट ईयर का। पॉइंट नंबर टू में करंट ईयर का। उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री के अंदर ये कंपनी की पॉलिसी है, FPL मेंटेन्स। इसका मतलब है कि पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना होता है उसको 2/12 करें तो उतना हर वक्त स्टोर में पड़ा होगा। रॉ मटेरियल के बारे में पॉलिसी ये है, देखें कंपनी ने इन्वेंट्री को मेंटेन करना होता है, हमने एक चैप्टर पढ़ना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो बिजनेस ने कोई फैसला, जैसे दुकानदार है, उसने दुकानदार ने कोई स्टॉक तो रखना है ना अपनी दुकान के अंदर, खाली दुकान तो नहीं रख के बैठेगा। तो कंपनी की पॉलिसी है रॉ मटेरियल के बारे में कि पूरे साल में जितना मटेरियल इस्तेमाल होता है उसका 2/12 वो स्टोर में रखता है, एवरेज 2 months कंजम्पशन बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। कि जितने पूरे साल के अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता है कंजम्पशन, उसका 2/12 ये वो स्टोर में रखता है हर वक्त। ये कंपनी की पॉलिसी है FPL मेंटेन्स। फिनिश गुड्स, इसकी क्या पॉलिसी है? जितनी चीजें पूरे साल में बेचनी होती हैं उसका 1/12 के बराबर वो अपने स्टोर में रखता है चीजें। और वर्क इन प्रोसेस की पॉलिसी ये है कि मशीन में महीने के एंड पे भी, महीने के स्टार्ट पे भी, साल के एंड पे भी, साल के स्टार्ट पे भी 1500 यूनिट्स पड़े होते हैं, यानी एक वक्त में मशीन में 1500 यूनिट्स पड़े होते हैं। अब चूंकि हर वक्त 1500 पड़े होते हैं तो जब भी मंथ एंड होगा तो 1500 ही पड़े होंगे। और सवाल की आसानी के लिए उन्होंने कह दिया कि चाहे ये ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है, मटीरियल के एतबार से मुकम्मल होता है और कन्वर्जन के एतबार से 60% होता है। ये हो गई कंपनी की पॉलिसी। FPL follows absorption costing, ये होती है कुछ, यानी जो अब तक पढ़ा है वैसे ही, जो अब तक हम पढ़ रहे हैं ना वो absorption costing ही होती है। बाकी मैं इस सवाल के बाद जब अगले चैप्टर का स्टार्ट करूंगा तो फिर बताऊंगा absorption costing क्या होती है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वैसे ही है। FIFO method follow होता है। अच्छा, अब ये सारा data point number 1 और 2 का किस साल का था? करंट ईयर। सवाल की रिक्वायरमेंट पे आते हैं। क्या पूछिए रिक्वायरमेंट? नेक्स्ट ईयर की बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलती है? अच्छा चले, मैंने शायद सवाल ही सही नहीं पूछा। ट्रेडिंग बिजनेस हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये बिल्कुल जब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट की थी ना, जो बेसिक कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स करा रहा था तब भी ये चीज दोहराई थी। तो हमें इस वक्त निकालनी है नेक्स्ट ईयर की। पॉइंट नंबर 1 और 2 में क्या डाटा गिवन है? ये। और रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि निकलेगी ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। मैं फिर तसल्ली करा दूं, ये बजटिंग का सवाल है, बजटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इस सवाल को इस नियत से करा रहा हूं कि इसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन सीखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि हमने डिसीजन मेकिंग पढ़नी है तो उसमें इस तरह की कैलकुलेशन हुआ करेंगी। वेरियंस एनालिसिस में भी आपको इस तरह की, यानी ये कैलकुलेशन आगे कॉस्ट में चलनी है तो उनके लिए ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे मैं आपको करवा रहा हूँ। इसको एज अ टॉपिक मत देखिएगा, बस इस सवाल में जितनी भी कैलकुलेशन समझ के फॉलो कर सकें वो काफी है। पॉइंट नंबर 4, इन्फ्लेशन बताई हुई है। इन्फ्लेशन मतलब कीमतों का बढ़ना। तो ये किस साल के लिए बात हो रही है? ये नेक्स्ट ईयर के लिए ना, क्योंकि करंट ईयर का डाटा बता दिया, अब नेक्स्ट ईयर के लिए आपको ये फिगर्स बता दी।
पॉइंट नंबर फाइव, ये किस ईयर की बात हो रही है? ये भी नेक्स्ट, कि जितना करंट था नेक्स्ट ईयर की सेल्स उससे, और ये सेल्स वॉल्यूम मतलब यूनिट्स की बात हो रही है, यूनिट्स। जब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा था ना शुरू शुरू में, तब ये बात बताई थी, लेकिन जो कि बहुत पुरानी बात हो गई, दोबारा बताता हूँ। जो फिक्स कॉस्ट होती है उसकी ओरिजिनल हालत टोटल फॉर अ पीरियड होती है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसकी ओरिजिनल हालत पर यूनिट करके होती है। टोटल फॉर द पीरियड करना हो तो उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जितने यूनिट जितनी एक्टिविटी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दोबारा सुने, फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल हालत टोटल फॉर अ पीरियड होती है, रेंट 12 लाख पर ईयर या पर मंथ, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, मटेरियल 5 रुपए पर यूनिट, लेबर 200 रुपए पर आर, मशीन का फ्यूल या पावर 500 रुपए पर आर, ये ओरिजिनली पर यूनिट पर आर चीजें होती हैं। इनको अगर टोटल तक पहुंचना है तो उसके उसके जिस बेस से उसका ताल्लुक है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर निकालनी है, फॉर द मंथ निकालनी है, तो ये लेबर कॉस्ट में करते रहे हम ये काम कि पर आर रेट दिया हुआ था तो इनटू आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनल हालत उसकी पर आर बेसिस पे थी। इसी तरह से मटेरियल वाले चैप्टर में भी हमने काम किया, जब मटेरियल की इन्वेंट्री पढ़ रहे थे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो जो परचेस करते थे उसमें आपको एक का रेट दिया होता था, उसको टोटल से मल्टीप्लाई करते थे, टोटल परचेस तक पहुंचते थे। तो वेरिएबल चीजें जो होती है ना, वेरिएबल, उनकी ओरिजिनल हालत पर यूनिट होती है, और जो पर यूनिट या पर आर जो भी, और जो फिक्स कॉस्ट होती है उनकी ओरिजिनल हालत टोटल फॉर अ पीरियड होती है। तो सेल्स एक वेरिएबल चीज है कि फिक्स चीज है? वेरिएबल है। तो ये जो सेल्स वॉल्यूम वेट इंक्रीज बताया, ये क्या चीज है? कि क्वांटिटी, यूनिट्स इतने बढ़ जाएंगे, किससे बढ़ जाएंगे? करंट ईयर से 10% ज्यादा नेक्स्ट ईयर के होंगे। और पॉइंट नंबर सिक्स, बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की हम अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करेंगे, वुड बी कैरिड आउट, इस पे 20 मिलियन रुपए लगेंगे। इससे क्या होगा? डेप्रिसिएशन 58 से 70 हो जाएगी। कब? यानी करंट ईयर में 58 है, नेक्स्ट ईयर में 7016 हो जाएगी। मटेरियल 5% अभी जाया होता है, नेक्स्ट ईयर में 2% जाया हुआ करेगा। लेबर 7% एफिशिएंसी, ठीक है, 7% से लेबर एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। ये है सवाल का पूरा डाटा। पॉइंट वन और टू में आपको करंट ईयर का डाटा दिया हुआ है, यूनिट्स बताए हैं, सेल्स के भी, प्रोडक्शन के भी। पॉइंट नंबर टू में पर यूनिट चीजें बताई हैं, फिर उसके अलावा इन्वेंट्री की पॉलिसी बताई है। पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर सिक्स, नेक्स्ट ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। कुछ समझ आई बात? अच्छा, अब हमने फाइंड करनी है बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन फाइव, ऑटम 17, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। रुपीज में करना है, रुपीज में कर लें, रुपीज इन थाउजेंड्स करना है, थाउजेंड्स कर लें, चलो थाउजेंड्स कर लिया मैंने। तो जी नहीं, वो पर यूनिट है, रुपीज पर यूनिट है ना, तो इतने सारे यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलियंस में चली जाएगी बात, इसलिए मैंने थाउजेंड्स कर लिए। ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ऐसे ही है। प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये क्या चीज होगी? प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ के आए इस सवाल में ना, प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स है, इसलिए मैं अभी प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद ही ये सवाल कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, शाबाश। तो हमें इस नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालनी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए क्या चाहिए? चूंकि फाइफो मेथड है तो हमें
वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें क्वांटिटीज कैजुअल बना लेंगे, उसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनेगी, कॉस्ट पर यूनिट है, फिर उसके अलावा कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव यूनिट्स आ जाएंगे, ये वो है। यानी इसके लिए सारी वो मेहनत है जो हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ी है। फाइफो मेथड है, तो ये किसमें से बचे होंगे, इसमें से कि इसमें से? अच्छा, अब इस बात को अब प्रोसेस प्रोसेस करके आए ना, ये ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स लिखा हुआ है मैंने सामने, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है, ये ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स लिखे हैं मैंने, तो ये इनमें से होंगे, और ये जो पिछले साल क्लोजिंग थे। आपको सवाल में करंट ईयर की पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है, करंट ईयर की पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। अगर करंट ईयर की वो पर यूनिट कॉस्ट है, तो पिछले साल यानी करंट ईयर की जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स थी, ये उन्हीं की कॉस्ट है ना, तो अगर मैं उसके यूनिट्स निकाल लूं तो उनको पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा, ये बात ठीक है। इसी तरह ये तो सारी प्रोसेस कॉस्टिंग वाली मेहनत करने लगा हूं मैं, ये फिगर कैसे निकालूं नेक्स्ट ईयर की पर यूनिट? नहीं, वो देखते हैं ना, ये बात दोबारा सुने। आपको सवाल में करंट ईयर की यानी ये गुजरा हुआ साल है जस्ट, उसकी पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है, इसके यूनिट्स अगर पता चल जाएं तो ये करंट ईयर का क्लोजिंग ही है ना, तो उसके यूनिट्स को उस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ गया, आ गया। ये नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग है, अगर हमें नेक्स्ट ईयर की पर यूनिट कॉस्ट पता चल जाए तो उसको इनके यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ये भी ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स जैसे प्रोसेस की मेहनत करते हैं वैसे कर लेंगे, ये भी ओके। यानी हमें पर यूनिट कॉस्ट के साथ कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी और इनके यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। निकाल लेते हैं जी यूनिट्स, एक निकाल लेते हैं यूनिट्स, ये मैं फिनिश गुड्स के यूनिट्स बना रहा हूं, फिनिश गुड्स के। पिछले साल के क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी थी, यूनिट्स दिए हुए? वो तो नहीं पता ना, है फिनिश गुड्स कह रहा हूं, करंट ईयर के क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स कितने थे दिए हुए? फिनिश गुड्स के यूनिट्स दिए हैं कहीं? नहीं दिए, लेकिन कंपनी की पॉलिसी बताई हुई है कि हर साल की जो बजटेड सेल होती है उसके 1/12 यूनिट्स बचा लेते हैं हम। तो करंट ईयर की बजटेड सेल कितनी थी, पॉइंट नंबर वन में दी हुई है, करंट ईयर की बजटेड सेल 20, ट्वेंटी फोर थाउजेंड, इसको 1/12 करें तो 2000। करंट के क्लोजिंग तो नेक्स्ट की ओपनिंग, सेल्स पता है नेक्स्ट की, किससे 10% इंक्रीज हो जाएंगी जो करंट ईयर की थी, तो करंट ईयर की सेल्स कितनी थी? पक्की बात है 22800। क्यों? हाँ, तो 2000 करंट ईयर में जितनी सेल्स हुई थी, ये जो करंट ईयर का बजट वाला कॉलम है ना, ये है जब करंट ईयर शुरू हो रहा था तब कहीं जाके बजट बनाया होगा हमने। देखें पॉइंट नंबर की ना अंग्रेजी समझे, पॉइंट नंबर वन में लिखा हुआ है बजटेड एंड एक्चुअल फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर आप समझें 2021 की बात हो रही है और 2021 गुजर गया है जस्ट, कर हम 2021 के एंड पे खड़े हुए हैं और नेक्स्ट ईयर हम 2022 को कह रहे हैं, तो 2021 जब कभी शुरू हुआ था तो उसका बजट बनाया होगा ना, जैसे हम 2022 के बनाने लगे हैं, तो वो ये था जो पॉइंट नंबर वन में बजटेड है। और 2021 चूंकि एंड हो चुका हुआ है तो उसका एक्चुअल वो है जो इस एक्चुअल कॉलम में आ रहा है, तो 2022 में सेल्स 2021 से 10% ज्यादा होंगी, किससे 10% ज्यादा होंगी,
जो 21 में हुई थी, तो 21 में कितनी सेल्स हुई थी? 22,800। इससे 10% ज्यादा होंगी, क्या करूं? इनटू 1.1 250 मैं जो कर रहा हूं वो बस समझते जाएं और जिसमें से जितना जितना सीख सकते हैं सीखते जाएं। क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा, अब ये नेक्स्ट ईयर की बजटेड हो गई ना? Yes, तो फिर नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग कितनी होंगी बजटेड का? 1/12। पच्चीस जीरो 80 × 1/12 जी 2290। ये मैंने ना नेक्स्ट ईयर की चीजें लिखी हैं। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग जो के करंट का क्लोजिंग था, करंट का क्लोजिंग कितना था? कंपनी की पॉलिसी बताई हुई पॉइंट नंबर 3 में कि जो बजटेड सेल्स होती हैं, बजटेड सेल्स उसका 1/12। तो करंट ईयर की बजटेड सेल्स कितनी थी? 24,000, उसका 1/12। ये करंट का क्लोजिंग था, नेक्स्ट का ओपनिंग बन गया। मतलब 2021 का क्लोजिंग था, 22 का ओपनिंग बन गया। 2022 में सेल्स कितनी होंगी जो 21 में हुई थी उससे 10% ज्यादा? ये बात पॉइंट नंबर 5 के बुलेट पॉइंट में लिखी, नहीं पॉइंट नंबर 5 में लिखी हुई, 4 में, 5 में, अच्छा ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में लिखी हुई है कि पिछले साल से 10% सेल्स अगले साल ज्यादा होंगी। अब ये कौन सी सेल्स निकाल ली हमने? नेक्स्ट ईयर यानी 2022 की बजटेड सेल्स। तो 2022 का क्लोजिंग कितना होगा? बजटेड सेल्स का 1/12, इसका 1/12 कर लिया। अब आपको नेक्स्ट ईयर यानी 22 का ओपनिंग फिनिश गुड भी पता है, सेल्स भी पता है, क्लोजिंग फिनिश गुड भी पता है, प्रोडक्शन पता चल सकती है? ओपनिंग भी पता है, सेल भी पता है, क्लोजिंग भी पता है कि 22 में हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे। यहां से देखे ना, इधर से ये यूनिट्स दिख रहा हूँ भाई मैं, यूनिट्स यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं, ये रुपए नहीं है, यूनिट्स हैं। क्या बैलेंस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? 2022 के शुरू में इतने होंगे, इतने एंड पे बच जाएंगे, इतने बेच जाएंगे तो बनाएंगे कितने? फिर सोच लें, जज्बाती होके ना करें, अकल इस्तेमाल करें, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। ये फिनिश गुड्स के स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, कैसे सर? जो ओपनिंग है सर वो तो पिछले साल का बन रहा है सर, क्लोजिंग इस साल बन रहा है, और जो सेल्स हैं जो वो भी इस साल में ऐड हो रही है। ओपनिंग प्लस नए माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू बेच दिए। अब यहां से उल्टा चलना, ओपनिंग प्लस जो और बने माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स। तो अब सेल्स दी हुई है तो उल्टा चलना है, देखें ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस जो मजीद बने माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, यूनिट्स की बात कर रहा हूं, यूनिट्स सिंपल मैथ की है मैंने, इतने यूनिट्स फिनिश गुड्स में पहले पड़े हुए थे, इतने और बन के आएंगे, इतने रह जाएंगे तो बाकी बिक जाएंगे। अब इसमें से आपने ये निकालना है तो क्या करूं? प्लस टू फाइव ये निकल आई नेक्स्ट ईयर यानी 2022 की प्रोडक्शन। ये यूनिट्स मैंने क्यों निकाले? काम आएंगे, ये आने का। मैंने आपसे कहा जो जो करता जा रहा हूं ना वो आप सीखते जाए। क्यों कर रहा हूं, मेरे जहन में ये क्यों आया? क्योंकि बजटेड है, बजटिंग है ना, तो इसलिए जब ये एज ए टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ ली होती, तो अभी मैं जो जो कर रहा हूं बस समझते जाए कि कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें से आपको कम अज कम कैलकुलेशन रिटेन करवाना चाह रहा हूं। ये क्या किया है ये समझ आई बात?
ये है सबसे इम्पोर्टेंट वर्किंग, जो असल में मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ इस सवाल से, कॉस्ट पर यूनिट। पहले ना मुझे इसको बना लेने देना ताकि पता चले कितनी कोई जगह आपको चाहिए। मेन मेरा मकसद ये सवाल कराने का ना, ये कैलकुलेशंस आपके सामने लानी है। करंट ईयर की कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, क्या क्या? डायरेक्ट मटेरियल कितना? 980। अच्छा, अगर इसको किलो में और रुपीस पर किलो में तोड़ना चाहें तो कितना कितना है ये? मतलब 980 कैसे बना? 49 केजी लिखा हुआ ब्रैकेट में इनटू 20 कैसे डिवाइड कर लिया? 980 डिवाइडेड बाय 49, यानी ये जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं इसमें 49 केजी इन होता है, मटेरियल लगता है जो कि 20 रुपए किलो मिलता है। डायरेक्ट लेबर 800। इसका कोई ब्रेकअप है? आर्स कितने, रेट कितने? नहीं। और क्या है? वेरिएबल एफओएच। इसका कोई ब्रेकअप वगैरह नहीं? कितना है? 500। फिक्स्ड एफओएच कितना है? 400। बस। अच्छा, अब एक काम ये कर दें कि आप मुझे इसका, इस डब्बे का टोटल बता दें। 1700। ये क्या चीज है? कन्वर्जन, जबरदस्त कन्वर्जन है। ये दी हुई थी, मैंने बस थोड़ा सलीके से लिखा बस, अदरवाइज ये गिवन थी। जो नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 के ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं वो 2021 के क्लोजिंग थे। कितने यूनिट थे वो? ये कितने वाले? 2680 वाले। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो इनकी कॉस्ट आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। 5360। जी कितनी? 5360। इसी तरह इनके यूनिट्स बताएं। yes, अगर नेक्स्ट ईयर की पर यूनिट कॉस्ट पता हो तो मल्टीप्लाई कर दो, ये फिगर आ जाएगी। ठीक है, ये भी सही। प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल में हम लोग पर यूनिट, अच्छा ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, इससे प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं चेंज हो रही, प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म हो गई है। मैं आपको ये एक सवाल करा रहा हूं, इसमें कैलकुलेशंस अच्छी हैं, बस सिर्फ कैलकुलेशंस इससे रिटेन करनी है आपने, और इस तरह की मेहनत आपको आगे वेरियंस में, डिसीजन मेकिंग में, वहां पर काम आएगी ये चीज। वैसे तो दिल था इस तरह के 5-6 सवाल और कराता, लेकिन फिर कोर्स भी खत्म करना है तो ये एक भी करा रहा हूं तो बहुत है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला करते थे? आपको न्यूमरेटर्स दिए होते थे, मटेरियल कॉस्ट इतने लगेगा अगले साल, या अगला साल नहीं सॉरी, इतना टोटल खर्चा लगा, इतने टोटल कन्वर्जन लगी। इस सवाल में आपको न्यूमरेटर नहीं दिए हुए, तो इस सवाल में हम एक साल की पर यूनिट में चेंजेस करके अगले साल की पर यूनिट बनाने लगे, क्योंकि जो चेंजेस करनी है वो बता दी।
जिस तरह प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे पर यूनिट, उसमें तो टोटल दी होती थी ना कॉस्ट, वो नहीं दी हुई इसके अंदर, है ही नहीं कहीं टोटल कॉस्ट। तो हमें चेंजेस पता है, तो हम पिछले करंट पर यूनिट से नेक्स्ट पर यूनिट बना लेते हैं। पहले आसान वाला बताता हूं, डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या लिखा है। डायरेक्ट लेबर 10% महंगाई होगी, ठीक है। तो पहले अगर एक यूनिट बनाने में 800 रुपए लगते थे, तो अब 10% ज्यादा लगेंगे ना, ठीक है। एक तो ये हो गई बात। दूसरा, लेबर की एफिशिएंसी बेहतर हो गई है, कितनी, 7%। एफिशिएंसी इंप्रूव होने का मतलब है अब टाइम कम लगा करेगा, कितना कम लगेगा, 7%। यानी पहले अगर इस पर टाइम लगता था तो अब उसका टाइम 0.93 लगेगा। ये बात सही है। देखें, पिछले साल 800 रुपए लेबर कॉस्ट पर यूनिट थी। मैं खुद ही कह रहा हूं एमी बस कि ये असल में इसलिए थी कि 200 रुपए पर आर देते थे उसको और वो 4 घंटे लगाता था। ये मैंने ऐसी खुद से 204 किया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, एक तो वो जो 200 रुपए का रेट था वो क्या हो जाएगा, अब वो जो 4 घंटे लगाता था, ये बात ठीक है। आठ सौ इंटू 1.1 इंटू 0.93 कितना, 8.4। ये कैलकुलेशंस आपको बहुत जरूरी हैं, आगे भी काम आएंगी, इसलिए बजटिंग समझ के इसको इग्नोर मत करें। इसी के लिए बेसिकली मैंने ये सवाल चुना है। अगर पिछले साल एक यूनिट को बनाने में इतने लगते थे तो लेबर में महंगाई भी होनी है और उसने अब टाइम भी कम लगाना है, तो अब इतना खर्चा आया करेगा। वेरिएबल एफ एच के बारे में क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ तो लिखा होगा, महंगे हो जाएंगे, 8% महंगे हो जाएंगे, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ। यानी 500 इंटू क्या करूं, 8% महंगे हो जाएंगे, तो कितने के हो जाएंगे, 540। लेबर और वेरिएबल एफएच तक ओके चले। अब आने लगा जी वो कमाल पॉइंट जिसके लिए ये सारी मेहनत करने का मैंने इरादा किया, डायरेक्ट मटेरियल। ये समझ ले जरा, और ये अच्छी बात ये है कि जो फिजिकल क्लास में लोग बैठे होते थे वो भी ये बात ऑनलाइन में सुन रहे हैं, तो आप बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, और इसको सुनने के बाद जो समझ आए वो पूरी कहानी लिखें, पूरा पेज लिखें चाहे उसके ऊपर, क्योंकि मैंने आइंदा ये बातें नहीं बतानी, ये बार बार आनी है आगे बात, जो अब मटेरियल के बारे में बताने लगा ना ये बार बार आनी है, मैंने नहीं बतानी दोबारा। आप इस लेक्चर को बार बार सुने और उसके हैं डाउनलोड करके रखें, बार बार सुने इस बात को, नहीं डाउनलोड करके रख भी रहेंगे फिर भी आपने सुनना थोड़ी दोबारा जाके, कौन सुने दोबारा। आप उसके ऊपर पूरा पेज लिखना चाहें, पूरा पेज मजमून लिखें उसके ऊपर, फिर भी तसल्ली ना हो अपना एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करा दें। लेकिन ये मैं एक बार बता रहा हूँ जिंदगी में, इस सेशन में, अगर आना हुआ किसी ने दोबारा तो अगले सेशन में दोबारा बता दूंगा, ठीक है। ये आपने खुद पॉइंट बार बार रिपीट, जब तक क्लियर ना हो जाए बार बार रिपीट करते रहे। यहां पर मैं लिखता हूं बात, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगाना है ना वो समझिएगा। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई केमिकल का ड्रम है, कोई बोरी है, बोरी है चले। हम करते ये हैं कि 100 किलो मटेरियल इन होता है इस प्रोसेस में, और 5% लॉसेस होने की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो 95 केजी की बोरी होती है।
हम कोई केमिकल बेचते हैं, इसको बनाने के लिए हमें 100 किलो एन इन करना पड़ता है, 5% जाया होता ही होता है, नॉर्मल लॉस है, और जो बोरी बनती है प्रोडक्ट वो 95 केजी की होती है। इस प्रोडक्ट के यूनिट, और ये होता है 20 रुपए का। एक बोरी बनाने के लिए कितनी मटेरियल कॉस्ट, कोई लॉस, कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं, एक बोरी बनाने के लिए जो कि 95 किलो की बोरी है, कितने रुपए मटेरियल कॉस्ट आती है? 120 2000 रुपए। एक बोरी बनाने के लिए जो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है जो कि 95 किलो की होती है, वो बनाने के लिए 2000 रुपए की मटेरियल कॉस्ट आती है। कैसे बना 2000? 20 × 100। 20 × 100 क्यों कर रहा हूं, 20 × 95 क्यों नहीं कर रहा? नॉर्मल लॉस है, तो वो सब इसी के लिए कुर्बान हो रहे हैं। अगर हम मशीनें कर लें चेंज, और उस नई मशीन में चूंकि मशीन बेहतर क्वालिटी की होगी, तो अब नुकसान हुआ करेगा 2%। चूंकि अब नुकसान हमारा कम हुआ करेगा, तो इस खुशी में हम कस्टमर को जो बोरी बेचें वो 98 किलो वाली बेचें, वो तो 95 केजी वाली होगा। मतलब अगर हमारा नुकसान कम हो रहा है तो हम कस्टमर को ज्यादा चीज देने थोड़ी शुरू कर देंगे। प्रोडक्ट हमारा स्टैंडर्ड 95 किलो की बोरी होती है, तो प्रोडक्ट तो हम अब भी 95 किलो ही बनाया करेंगे, लेकिन अब फर्क क्या पड़ेगा, इनपुट कम हो जाएगा। तो अब हमें कितना इनपुट डालना पड़ा करेगा, कैसे निकाले? 2% कटने के बाद है ना, तो ये 98% है। तो मुझे नया इनपुट निकालने के लिए 95 केजी को डिवाइडेड बाय 0.98 करना पड़ेगा, कितना? 96.94। तो अब फर्क ये पड़ेगा कि अब 100 केजी इनपुट करने की बजाय इतना इनपुट करना पड़ा करेगा। ओके, ये बात फिर ध्यान से देखें, और इसमें कुछ पूछना है तो पूछें, पक्की बात है। हरगिज नहीं, कब किया ऐसे? उसमें नॉर्मल लॉस आउटपुट का 5% था, तो अदरवाइज बाय डिफॉल्ट नॉर्मल लॉस किसका परसेंट होता है? इनपुट का। अब मैं इस सवाल पे लाता हूं उसको, चले एक कैलकुलेशन और करा दूं फिर लाता हूं। ये ओके ना? यस सर।
95 नहीं पता, बाकी 105 सब पता है, सिर्फ 95 नहीं पता, बाकी ये सब पता है। नया इनपुट कैसे निकालूं? पहले 95 निकालूं कैसे? 100 इंटू 0.95, शाबाश, 100 इंटू 0.95, 95 निकल आया। अब क्या करूं? 95 को 0.98 ये ऐसे बस ठीक है। ये चीज सिखानी थी आपको मेनली, कोई मुश्किल काम तो नहीं? No. मुश्किल हो जाएगा जब आप इसको भुला देंगे। कितना आ गया? चलो जितना भी आ गया, जितना भी आ गया। अब इस सवाल पे आते हैं। करंटली एक यूनिट बनाने के लिए हमें इतने किलो चाहिए होते हैं, 20 वाले। इसकी जगह क्या आ गया? 49। हमें अभी एक यूनिट बनाने के लिए 49 केजी चाहिए होते हैं 20 रुपए वाले। ये नोट करने की जरूरत थी कि नहीं? दोबारा सुनो, कोई लेक्चर याद? हाँ यार, कोई FR2 टैक्स कुछ नहीं? टैक्स लिया है। अच्छा, FR2। चलो मर्जी है आपकी। अब इस सवाल पे आ गया हूं। अभी एक यूनिट बनाने के लिए हमें इतने किलो मटेरियल डालना पड़ता है, मशीन इंप्रूव हो जाएगी तो फिर आप कितने किलो डालना पड़ा करेगा? ऐसे ही कितना? ₹47.5 into ₹ मटेरियल कितना महंगा हो जाएगा? कितना बनेगा? 1026 अब क्या रह गया? फिक्स्ड FOH, फिक्स्ड FOH होता ही टोटल का कॉन्सेप्ट है। तो पिछले साल की पर यूनिट को चेंज करके अगले साल की पर यूनिट बना सकता हूं मैं? डेप्रिसिएशन में 58 लाख से 70 लाख तक चेंज आ रही है, तो पर यूनिट चेंज कर लूं मैं? नहीं, पहले मुझे करंट ईयर का टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी, फिर उसमें चेंजेस करूंगा तो उसको पर यूनिट बनाऊंगा। डेप्रिसिएशन भी तो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? तो उसको मैं पर यूनिट में कैसे करूं? ये ₹400 पर यूनिट है, मैं इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करूं 58 लाख और 70 लाख का चेंज? तो पहले मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए, करंट ईयर की टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स आ जाए, फिर उसमें चेंजेस कर लूंगा, फिर दोबारा यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। देखें, ये तो ओरिजिनली पर यूनिट चीज है, इसलिए इसी को चेंज कर लिया। फिक्स्ड ओवरहेड्स तो कॉन्सेप्चुअली है ही टोटल चीज, तो मैं उसको कैसे पर यूनिट चेंज करता? तो इसलिए पहले मुझे उसको करंट ईयर का टोटल बनाना पड़ेगा। यार ये मटेरियल वाली ना बड़ी जरूरी बात थी, इसको आप अगर नहीं समझ आई तो बार बार रिपीट करें
और इतनी तफसील लिखे अपने पास कि आप दोबारा पढ़ें तो आपको समझ आए सारा। ठीक है ना, चलें आगे। ये फिक्स्ड ओवरहेड निकालने लगो। पहले करंट ईयर देख के टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, कैसे करूं टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या यूनिट सोल्ड? प्रोड्यूस्ड। तो 400 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2000, करंट ईयर की प्रोडक्शन कितनी थी? 23760। कितना आ गया? 9504। ये सारी महंगी होनी है या डेप्रिसिएशन के अलावा महंगी होनी है? डेप्रिसिएशन तो महंगी नहीं होती ना, तो डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं फिर इसमें से। तो अदर कितनी हो गई? 3704000। डेप्रिसिएशन तो उसने खुद बता दी कितनी, 7016800। और बाकी अदर का क्या होगा? 1.5% वो हो जाएंगे 5% महंगे, यानी 3704000 इंटू 3889200। तो ये अगले साल की फिक्स्ड ये है अगले साल की फिक्स्ड ओवरहेड्स। पर यूनिट करने के लिए क्या करूं? यूनिट प्रोडक्शन से डिवाइड कर दूं अगले साल वाले कितने? टू फाइव वन सेवन जीरो नहीं। अब लाते हैं यहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग। टोटल को पर लिए डिनोमिनेटर क्या होता है? कंप्लीटेड यूनिट्स या ईपी? ईपी, और वो भी फाइफो वाला। तो अब हमें ईपी निकालना पड़ेगा। अब आ गया ना टोटल, आ गई। पहले तो मेरे पास टोटल था नहीं, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स कुछ नहीं था, तो मैंने पर यूनिट को ही चेंज करके बना लिया। फिक्स्ड ओवरहेड्स का तो टोटल है, तो टोटल को पर यूनिट बनाने के लिए तो ईपी से ही डिवाइड करते हैं। तो अब हमें कन्वर्जन का ईपी वाला कॉलम निकालना पड़ेगा। कर ले। ये सारा बोर्ड आराम नाम से फिराना यार। मर्जी आपकी। हम्म,
मर्जी है, घर जाके कर लेना। हाँ जी, ये मिटाना यार। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने लगो और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने के लिए क्वांटिटी स्केड्यूल भी चाहिए। लेकिन क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि अच्छा चले, अगर मैं क्वांटिटी स्केड्यूल बना भी लूँ, चलो ठीक है बनाता हूँ, बना लेता हूँ। ओपनिंग कितना? 300। ओपनिंग 1500। बल्कि आप इसमें ना बनाए, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस तो वैसे ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर बना रहे हैं, हमें कैसे पता एबनॉर्मल होगा? वो तो साल गुजरेगा तो पता लगता है ना कि एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल तो होना नहीं है। तो और ईपी में क्या चाहिए होता है? ईपी में कंप्लीटेड यूनिट्स चाहिए होते हैं, ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग। तो ये सारे हैं, आउटपुट है ना, ये आउटपुट ही है ना। इतनी गुड्स बनाई तो आप बनाएंगे तो आउटपुट ही है। तो हमें कंप्लीटेड यूनिट्स भी पता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी पता है, क्लोजिंग भी पता है। तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं। क्यों नहीं है एबनॉर्मल लॉस? वो तो पीरियड गुजरता है, एक्चुअली कुछ होता है तो पता चलता है ना। अभी तो हम बना ही नेक्स्ट ईयर का रहे हैं, तो इसलिए क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं।
चाहिए तो बस मुझे सिर्फ कन्वर्जन कॉलम, लेकिन ऐसी आदतन मटेरियल भी बना लेता हूँ। चाहिए सिर्फ कन्वर्जन था। क्यों कन्वर्जन चाहिए थी? क्योंकि ओवरहेड्स को डिवाइड करना है, तो चाहिए सिर्फ कन्वर्जन कॉलम था, लेकिन ऐसी बस खलाकन फाइफो मेथड है तो ओपनिंग की लाइन आएगी। ओपनिंग के यूनिट्स 1500 कन्वर्जन के सामने 40% 600 स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। इसमें क्या करते हैं? आउटपुट ही आउटपुट है, फिनिश गुड्स प्रोडक्शन वही है ना जो बने हैं आउटपुट। तो 25 170 माइनस ओपनिंग कितना? 2 3 6 7 0 ये दोनों कॉलम में 100 2 3 6 7 0 2 3 6 7 0 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 मटेरियल के पूरे कन्वर्जन के 60% यहाँ 1500 और यहाँ 900 तो ईपी बन गया 25170 तो ये 25170 ये हमें चाहिए था कन्वर्जन का डिनोमिनेटर। ये यहाँ से डिवाइड करेंगे तो फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट बन जाएगी टोटल डिवाइडेड बाय 25170 डबल थ्री पॉइंट टू नाइन इस डब्बे का टोटल इस डब्बे का 1791.69 और टोटल 2817.69 अब वो जो सवाल स्टार्ट किया हुआ था उसमें क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स निकाल लिए हुए वर्किंग वन में कितने पर यूनिट कॉस्ट निकाल लिए ये कर दे मल्टीप्लाई आउटर कॉलम में ले जाए आंसर सॉल्यूशन जहां से स्टार्ट किया था जो मैंने वहां लिखा हुआ बिठा दिया क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स कितने 2090 जो वर्किंग वन से आए इनटू कॉस्ट पर यूनिट ये जो के वर्किंग टू से ये जी तो ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स की भी आगे अमाउंट आ गई और अब रह गया लास्ट काम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स
चलें जी लास्ट काम, ये बिठा दूं? अहमद ही हो गया था ना? ठीक यार, मूव ना स्लो स्लो किया करो कि स्टूडेंट्स को ना पॉज करने का चांस मिले। लास्ट चीज, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फाइफो मेथड है, कैसे निकालते हैं? पहले आता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स फाइफो मेथड। इसमें क्या क्या लिखते हैं? अभी अभी खत्म किया यार प्रोसेस, बीडी, फिर इस साल में जो काम हुआ ये 600 को किससे मल्टीप्लाई करूं? पोर्टेबल 3.29। हां हां, 107 50 50 14। और क्या आता है? स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड यूनिट्स, इसको क्या करूं? किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 3 6 7 0, ये इनटू 2 8 1 7 7 7 7 2 7 2। अच्छा, पक्की बात है? नहीं नहीं बस ठीक है। अब बताएं जी ऊपर वाली फिगर कैसे निकालो? ये वो है जो पिछला क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था, तो पिछले साल करंट ईयर का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैसे निकालें? एक्चुअल ये सामने डाटा है सारा, बताएं करंट ईयर के पर यूनिट कॉस्ट ये है, पिछले साल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कैसे निकली होगी? 1500 यूनिट्स थे, मटेरियल के अतबार से मुकम्मल थे, यानी 1500 पे पूरा कितना? हाँ हाँ, मटेरियल के अतबार से पूरे थे, कन्वर्जन के अतबार से 900 थे, कन्वर्जन के अतबार से ये 60% थे ना, 40 तो अब हुए ना, 900 थे। देखें पिछले साल का जब क्लोजिंग बनाया होगा तो उसकी यही शक्ल बनी होगी, तो पिछले साल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जिसकी ये शक्ल थी उस पे ये पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई हुई होंगी, 1500 इंटू ये और 900 इंटू 1700, बस ये हो गया सवाल। बस अब ये मेन सॉल्यूशन में लिख लें थाउजेंड्स में करके और बस हो गया सवाल। ठीक है डन, बस ये सवाल था।
बहुत मुश्किल था। इसमें ना ये चीज कि एक पर यूनिट से अगली पर यूनिट बनाना, और ये जो फिक्स कॉस्ट निकाली थी कि डेप्रिसिएशन अलग करके बाकी को इन्फ्लेट करना, ये जरूर रिटेन करना आपने। और ये जो पर यूनिट में अंदर ये खेल किया है, खासतौर पे 47.5 किलो वाला। चल ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।